अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या अगर लिंक है कोई मोबाइल नंबर, आप उसे अपडेट करना चाहते हैं, आप अपने जीमेल को जो कि मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं लिंक है उसे अपडेट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, नया लिंक करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपको आधार सेंटर या जनसेवा केंद्र कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया पोस्ट के थ्रू आप ये सर्विस अपने घर में ही ले सकते हैं। आपको सिंपली वेबसाइट में जा करके वहाँ पर अपनी डिटेल सबमिट करना है और उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एम्प्लॉय या मान लीजिए आपके गांव का जो भी पोस्टमैन होगा वो आपके एड्रेस पर ही आकर आपकी डिटेल्स लेगा और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या जीमेल को लिंक कर देगा। साथ ही आप के घर में अगर कोई छोटा बच्चा है 5 साल से कम उम्र का तो उसका भी आप बाल आधार कार्ड घर में ही बनवा सकते हैं। आपको उसकी भी डिटेल्स फिल कर देनी है उस एप्लीकेशन फॉर्म में और उसके बाद पोस्टमैन आपके घर पर ही वेरिफिकेशन के लिए आएगा और जैसे ही वेरीफाई कर देगा तो आपके बच्चे का भी आधार कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मैं हूं सत्येंद्र और ये सब कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट करवाने के लिए या आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है 5 साल से कम उम्र का उसका आधार कार्ड अगर बनवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर अपना नेम फिल करना है, इसके बाद एड्रेस फिल करना है, इसके बाद पिन कोड फिल करना है और इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस जो आप अपडेट करवाना चाहते हैं और इसके बाद मोबाइल नंबर जो आप अपडेट करवाना चाहते हैं और यहाँ पर आपको सिलेक्ट सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिलेक्ट सर्विसेज में आपको यहाँ पर कई सारी सर्विसेज मिल जाती हैं जैसे मेल बुकिंग, मेल डिलीवरी, फाइनेंशियल सर्विसेज और जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आधार सर्विसेज। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको दोबारा से इसमें सेलेक्ट करना है कि आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है कि आपका कोई चाइल्ड है 0 से 5 ईयर के बीच का तो आप उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अदरवाइज आप मोबाइल और ईमेल अगर आधार में लिंक करवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिस मोबाइल नंबर को आपने यहां पर इंटर किया है। तो यहां पर ओटीपी आ चुका है और यहां पर ओटीपी मैं फिल करूंगा। यहां पर मैं कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करूंगा। रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर मुझे मिल जाता है तो इसको मैं कॉपी करके रख लूँगा। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और जो रिक्वेस्ट नंबर आपने कॉपी किया है इसको यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर, जीमेल चाहें तो अपडेट करवा सकते हैं या अगर नहीं लिंक है तो आप नया लिंक करवा सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई 5 साल से कम छोटा बच्चा है तो आप उसका भी बाल आधार कार्ड घर में ही बनवा सकते हैं। अब आपको आधार कार्ड सेंटर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और जीमेल लिंक करवाने का, अपडेट करवाने का और छोटे बच्चे का जो कि 5 साल से कम है आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की अपडेट्स हमेशा पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।